तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मतलब हम अपने ब्रांड का कितना परसेंट हिस्सा यूज करते हैं। तो बेसिकली बहुत लोगों को लगता है यार कि हम अपने ब्रांड का पूरा परसेंट यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा ट्रू नहीं है। बहुत सारा रिसर्च अभी शो कर चुका है कि मतलब हम अपने ब्रांड का 100% मतलब हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम स्लीप में भी रहते हैं तो भी ऑलमोस्ट कुछ हिस्सा तो ऐसा है जो ऑलमोस्ट हर समय जो है सो मतलब ऑलमोस्ट नहीं मतलब 24/7 जो है सो वर्किंग होता है। तो यही है कि हम हर समय जो है सो मतलब कि हमारा अपना ब्रांड का यूज़ करते हैं सारा हिस्सा, ठीक है। बहुत लोगों को लगता था यार कि हम लोग जो है सो 10% हिस्सा यूज़ करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी लगता था ऐसा। ये मिथ जो है ओरिजिनेट हुआ है 1890s में, जो है किसके द्वारा, तो एक फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी जो है विलियम जेम्स उसी के द्वारा जो है ये मिथ जो है सो क्रिएट हुआ है। कि उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ आपका जो मेंटल पोटेंशियल है वो हम अब यूज़ ही नहीं करते हैं। तो उनका कहना कुछ और था और उसको मिसअंडरस्टैंड करके बहुत लोग कुछ और समझ गए। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हमारा ब्रेन जो है सो 20% हमारे पूरे शरीर का जितना मतलब कि एनर्जी खर्च होता है उसमें 20% जो है ब्रेन को जाता है, बाकी का 80% ही हम फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है। तो 20% हमारा ब्रेन अकेले खा जाता है, सोच लीजिए। और बच्चों में ये जो है बेसिकली 50% होता है, बढ़ जाता है, मतलब 50% जो है सो बच्चा ब्रेन यूज करता है, और मतलब 50% जो है उसका एनर्जी बच्चा का जो है सो ब्रेन यूज करता है। और इन्फेंट में ये 60% बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि तो यही सब था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आएगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।